अगर आप लंबी रेस के खिलाड़ी हैं तो प्लीज इस फील्ड में आए। दिस इज नॉट अ कैसीनो, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आज मैं एक बर्ड लगाऊंगा और सुबह मेरे छक्के लगेंगे। छक्के लगते हैं लेकिन आप छक्कों को माइंड में लेके ना आए, आप इसको एज अ प्रॉपर बिजनेस आए। और कोई भी जो बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस की हिस्ट्री ले लें, कोई भी बिजनेस आपको 2 या 3 साल से पहले रिटर्न देने के काबिल नहीं होता। अगर मैं पहले साल ही एक्सपेक्ट करूं कि मैं लाखों और करोड़ों रुपए लगा के आऊं, मुझे कोई जानने वाला नहीं है, और मैं पोस्ट करूं कि भाईजान मेरे से आके 4 लाख रुपए का बर्ड ले लें या 5 लाख रुपए का बर्ड ले लें, तो भाई वो मेरे पास क्यों आएगा। ये लव बर्ड है ना, ये साइड बिजनेस, अगर आप साइड बिजनेस में देखें तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस एज अ साइड बिजनेस। मैं खुद इसको कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, मैं इसको एज अ साइड बिजनेस कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरर्स। आज हम माशाल्लाह वन एंड ओनली मुमताज भाई का सेटअप विजिट करने के लिए आए हैं। इस वीडियो में हम आपको इनका सेटअप विजिट करवाते हैं कि इनके सेटअप में कौन सी लेटेस्ट म्यूटेशन पर वर्किंग हो रही है। अगर पूरे पाकिस्तान में किसी को क्वालिटी के पेल फेलो चाहिए तो क्वालिटी के डन फेलो चाहिए तो मुमताज भाई से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मुमताज भाई की जर्नी के बारे में जानना है कि मुमताज भाई ने स्टार्टअप कहाँ से लिया, किसी यूनिवर्सल स्टार्टअप वगैरह लिया, तो उससे पहले हम छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया मुमताज भाई का, वो भी जाके दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए विजिट करते हैं मुमताज भाई का लवबर्ड का सेटअप। मुमताज भाई अपने सबसे पहले बताएं अपने सेटअप का डिजाइन कैसे किया हुआ है। इरफान भाई अगर आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, अपने व्यूअर्स को दिखाएं, जो हम बात करते हैं वेंटिलेशन का सिस्टम है, ये हमने यहाँ भी वेंटिलेशन है, इधर ये भी खिड़की रखी हुई है, इधर भी हमने खिड़की रखी हुई है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, प्लस हमने हाई स्पीड एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं, इधर भी लगा हुआ है, एक उस एंड पे भी लगा हुआ है। बाकी हमारे एक छोटी सी हमारी काविश है कि व्यूअर्स को लगे कि ये एक अच्छा सेटअप है जो हमारी आंखों को भी अच्छा लगे और बर्ड्स को एक हम नेचुरल माहौल दें ताकि बर्ड्स अपनी जो मैक्सिमम उसको इंजॉय करें और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाए। मैं आपको अपने चंद जो मेरे हीरो पेयर हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी, अगर आप ये देखें केज नंबर 1 में जो हमारा पैशन है पेल फेलो का, ये जी किंग खान असद जो हमारे क्वालिटी किंग हैं उनसे, ये उस फीमेल है वॉयलेट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो। इसके साथ कौन सा पिच लगा हुआ है? इसके साथ पार्ब्लू फ्लाइंग पेल फेलो है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी भी कहीं और सर अंजाम दे रहे हैं। मतलब ये 2 मेल इसका लगाए हुए हैं। यस, मेल को 2 जगह भी यूज किया हुआ है। दो जगह यूज किया और अभी इसका लास्ट क्लच आया हुआ है, हैचिंग हुई भी है। अंडे दिखाएंगे इसको? हैच हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे हैच हुए हैं इसके? बच्चे हैच हुए हैं माशाल्लाह, आप देखें स्प्लिट भी हैं और विजुअल भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वे इनके एवरेज क्या दे रहे हैं मुमताज भाई? सर जी इनके एवरेज 5 से 6 अंडे आ रहे हैं और माशाल्लाह मेरे पास पेल फेलो का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा अच्छा रिजल्ट है और सर्वाइवल भी बहुत अच्छा है और पर क्लच ऑलमोस्ट 4 बच्चे में सर्वाइवल आ रहा है। माशाल्लाह, इसके बाद कौन सा पेयर दिखा रहे हैं मुमताज भाई? अब मैं आपको दिखाऊंगा जी पाकिस्तान की सबसे मोस्ट फेमस, ये है जी डन फेलो स्प्लिट टू स्प्लिट, जो इसमें आपको ग्रीन बर्ड नजर आ रहा है, ये है ग्रीन अपलाइन स्प्लिट डन फेलो, और जो इसके साथ फीमेल है वो है पार्ब्लू अपलाइन स्प्लिट डन फेलो। उस टाइम डन फेलो की सर्वाइवल कैसा है? सर सर्वाइवल जैसे हमने तमाम सीनियर से गाइडेंस, अगर सर्वाइवल चाहिए तो आप स्प्लिट टू स्प्लिट की मैंने तो पेयरिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट आया। माशाल्लाह, और इसके बाद कौन सा पेयर दिखाएंगे मुस्तफा? अब मैं आपको सर ये केज नंबर 7 में मेरा बहुत ही अच्छा पेयर पेल फेलो, इसमें जो मेल है वो है वॉयलेट अपलाइन वॉयलेट पार्ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो और जो फीमेल है वो पार्ब्लू अपलाइन पेल फेलो है। माशाल्लाह इस पेयर से मुझे 4 क्लच दिए हैं और 90% सर्वाइवल रेट आया। माशाल्लाह। सर आगे आप देखें, ये माशाल्लाह मेरे डन फेलो के चिक्स हैं, स्प्लिट डन फेलो के, जो फॉस्टर मदर इनको पाल रही है। ये अगर आप इधर भी देखें तो ये देखें माशाल्लाह, ये पेल फेलो के इसमें चिक्स आए हुए हैं और जस्ट सेल्फ हुए, इसमें आपको विजुअल भी बर्ड नजर आ रहे हैं और बाकी जो स्प्लिट है वो पेल फेलो के स्प्लिट है। सर हर फैंसियर का शौक होता है कि वो शो में पार्टिसिपेट करें, तो अगर आपने शो में जाना है और आपके पास बेसिक फिशरी ना हो तो आप शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हर एवरी में बेसिक बर्ड होना बड़ा जरूरी है, तो ये मेरी ये फिशरी का एक पेयर है जिसमें जो एक बर्ड है वो मियां अहमद साहब की से मैंने लिया हुआ है और जो वायलट
वाला बर्ड आपको पार्लू नजर आ रहा है, ये हमारे एसीपी चैंपियन आदिल बर्ड फार्म का होम ब्रीड है। ये अगर आपको ये जो सारे ये जो केजेस नजर आ रहे हैं, ये मेरे सारा ऑन द लेफ्ट साइड, ये सारा मेरा ब्रीडिंग टीम स्टॉक है या ब्रीडिंग टीम है, ये सारा उसका आउटपुट है। ये सारी मेरी होम ब्रीड है। इसमें अगर आप देखें जो सबसे हॉट फेवरेट क्रीमिनोस डिकिनोस ये बर्ड्स हैं मेरे, और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, मैंने एक भी क्रीमिनो डिकिनो अल्बाइनो जो इस टाइम पे चोरी का रेट चल रहे हैं उसमें मैंने नहीं बेचा। मैं बहुत खुश हुआ, मेरे बर्ड्स का माशाल्लाह साइज देखें वो हैं, प्लस ये पेल फेलोज हैं, ये मेरी होम ब्रीड है। इसमें विजुअल बर्ड्स भी हैं, स्प्लिट्स भी हैं, आप इनके साइज देखें, बर्ड्स की ऑफलाइन मार्किंग देखें। ये जी ग्रीन अपलाइन है, ये हमारा टोटल शौक है, ये शो के लिए तैयार करवा रहे हैं, और ये मुदस्सर शफीक भाई हमारे जो अपलाइन चैंपियन हैं, ये उनसे हमारे बर्ड हैं। अब ये जो आगे आने वाले शोज आएंगे तो उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके बाद इसमें सर ये भी मेरी होम ब्रीड है पेल फेलोज की, इसमें आप देखें विजुअल बर्ड्स भी हैं, स्प्लिट्स भी हैं, और बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आया। ये तो आपके व्यूवर्स देखेंगे, वो बताएंगे कि इनको बर्ड कैसे लगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुमताज भाई, डाइट कितना मैटर करती है बर्ड में? सर डाइट, बैलेंस डाइट और बैलेंस यूज ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन इज वेरी एसेंशियल। अगर आप ये देखें तो ये सारे विटामिन हैं, प्लस इनकी दवाइयाँ हैं जो हमें एज पर रिक्वायरमेंट उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। मुमताज भाई इसके बाद कौन सा पेयर दिखाएंगे? सर मैं आपको ये मेरी एवरी का ब्लूटू का पेयर है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बच्चा इसका मैंने बाकी कर दिया था। ये जो इसमें पार्ब्लू वायलेट पार्ब्लू उपलाइन सिंपल मेल है, प्लस उसके साथ जो आपको रेड आई बर्ड नजर आ रहा है ये है वायलेट पार्ब्लू बी टू पार्ब्लू उपलाइन, और उसके साथ उसका कंफर्म वायलेट बी टू उपलाइन स्प्लिट पेल फेलो बचा है, बाकी दूसरा मैंने मूव कर दिया था। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट है, मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। जो हाफ जॉब है वो डन है कि आप अच्छी ब्रीड ले लें, अब है कि हम इसको विद पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव टाइम पे इसकी सेलिंग करें। लास्टली आपने अपने बर्ड को खुद वैल्यू देनी है। जैसा कि टफ टाइम है कमर्शियल पे, कमर्शियल बर्ड के रेट बहुत डाउन हुए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, आप होल्ड करें। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये देखें मैंने भी अपने बर्ड होल्ड किए हैं, अगर मैं बर्ड होल्ड कर सकता हूँ तो आप भी करें। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने 15,000 12,000 10,000 5,000 की बड़ी ऑफर दी, लेकिन मैंने कहा यार मैंने बर्ड जब बेचूंगा जब मुझे इसकी एक रिस्पेक्टेबल प्राइस मिलेगी, और ना मैं इन बर्ड को बेच के किसी ऐसे आने वाले लोगों के लिए नुकसान करूं या पैनिक क्रिएट करूं। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पैनिक स्प्रेडिंग टीम, तो मैंने इसलिए बर्ड होल्ड किए हैं। तो प्लीज़ इस टफ टाइम को आप समझें, अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो मेरा बिलीव है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात इस हमें टफ टाइम से गुजारेगी। और एक और बड़ी बात, एज अ फैंसियर हम सब रिस्क के हलाल के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारे रब का वादा है कि जो इंसान रिस्क के हलाल के लिए कोशिश करता है अल्लाह उसका हाथ पकड़ता है और इंशाल्लाह उसकी जो मुश्किलात है उसको दूर करेगा। तो एज अ मुसलमान इस पर बिलीव रखें, और इंशाल्लाह जो हमारे पर भी टफ टाइम है ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हमारी छोटी सी प्रैक्टिस है, रोज़ सुबह कुरान पाक की 2 घंटा तलावत होती है, कुरान पाक की तलावत से हमें बरकत है। ये सारी आप ब्रीड देख रहे हैं, आए मैं आपको एक और अल्लाह ताला की गिफ्ट में से, सर क्रिमिनो इनटू ब्लू टू पिछड़ी स्प्लिटिनो का पेयर है सर, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं सर, 4 के 4 रेड आईज हैं। आप माशाल्लाह बच्चों की हेल्थ देखें, साइज देखें, लोग कहते हैं हमारे पास रेड आई का सर्वाइवल नहीं आ रहा, हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, आप सब अल्लाह ताला से मांगें, अगर अल्लाह हमें नवाज सकता है तो आप सबको भी नवाज सकता है। अगर आप क्वालिटी ब्रीड कराना चाहते हैं, और अगर आपको जैसे शौक है लाल आम का, तो मुझसे रब्ता करें, आपको पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट टॉप क्वालिटी पेल फेलो क्लाइंट्स मिलेंगे, और इंशाल्लाह मुझे अपने बर्ड्स पे कॉन्फिडेंट है कि जो भी अगर आप मेरे बर्ड्स लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये डिज़ायर रिजल्ट देंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पे आएगा, आप मुझसे रब्ता करें, मेरी एवरी विजिट करें, और अगर लोग आप सिर्फ विजिट करके बर्ड भी देखना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम, तो इंशाल्लाह हम आपको एज पर योर एक्सपेक्टेशन अच्छे क्वालिटी बर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। मुमताज भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
सर इरफान भाई थैंक यू वेरी मच, आपका और आपके व्यूवर्स का, आपके टाइम का। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई वीडियो में आपसे मुलाकात हो। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।